हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए तो हम भी मस्त है, और हम दुआ करते हैं आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल करना होगा, यू हैव टू स्टडी। ओके, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और कदम से कदम मिला के चलिए। हम वादा देते हैं कि आपका छुट्टी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका लॉकडाउन का टाइम का एक एक मोमेंट यूज होगा, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे हम लोग अभी ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं जब से आपके साथ जुड़े हम, तो आप भी मेरे साथ जुड़ के प्रोडक्टिव बनिए। ओके, क्यों? क्योंकि हम जितने स्पीड में लेक्चर्स डाल रहे हैं, उतने स्पीड में आप मेरे को अगर फॉलो कर पा रहे हैं, तब तो भैया चमत्कार है। तुमसे आगे कोई नहीं जाने वाला, गारंटी ले लो। इसी लॉकडाउन में डिसाइड हो जाएगा कौन आगे बढ़ जाने वाला और कौन पीछे आने वाला। समझ में आ रहा है? जो टाइम का यूटिलाइजेशन कर लिया वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। तो आप सोच लो, आप आगे जाना चाहते हो कि पीछे? तो हम लाइफ का फोर्थ लेक्चर है कि आ गए, पता है, 2 दिन में चौथा लेक्चर। और इसके साथ साथ मेरे पास 9, 10, 11, 12 चार चार क्लासेस के लेक्चर बनाते हैं हम। प्रतिदिन एक एक दो दो लेक्चर, यानी पर डे 4 या 5 लेक्चर हम इंडिविजुअली बनाते हैं, सिर्फ मेरा। और उसको फिर एडिट करना, अपलोड करना, यानी एक लेक्चर में अगर 30 मिनट का है तो उसको आप 4 टाइम्स कर दीजिए, इतना समय लगता है। ठीक है? तो 30 x 4 यानी 2 आवर्स फॉर वन डे एंड 4 आवर लेक्चर फॉर ईच डे। देन हाउ मेनी आवर्स आई एम वर्किंग, मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई कर लो। 8 आवर सिर्फ लाइव में है हम, उसके बाद उसका प्रिपरेशन करना, ये सब में भी टाइम लगता है। चलिए, तो हमने आपको बताया था पेड मेंबरशिप के बारे में, तो थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे हम चर्चा करने के लिए। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि विद्यास्त्री कोचिंग क्लास के द्वारा पढ़ना चाहते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद या अभी भी, तो आप पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। फ्री मेंबरशिप में आपको सिर्फ लेक्चर्स मिलेंगे, सिर्फ आप थ्योरी अटेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ है फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो सिर्फ लेक्चर से आपका कंप्लीट ग्रोथ नहीं होने वाला। देखो, गाइडेंस बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हो हम खुद से कर लेंगे, दैट इज आई एम नॉट टेलिंग इम्पॉसिबल, बट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज डेडिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो तो आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे। बिल्कुल बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप कॉल करो, जल्दी दिए गए नंबर पे कॉल करो। अगर आपको ये सारी फैसिलिटी एक साथ आपको घर बैठे चाहिए, लॉकडाउन को आपको यूज करना है, देखो ये लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है, गारंटी नहीं कब खुलने वाला है। तो असाइनमेंट चाहिए, बिल्कुल, डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए, अगर ये सारी फैसिलिटी चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करो, फटाक से कॉल लगाओ, व्हाट्सएप करो और मेरे एसोसिएट से बात करो। चलो तो पढ़ाई चालू करते हैं। तो लाइव में अभी तक आपने 3 लेक्चर्स देख लिया है, नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखो, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करो और बेल बटन दबाओ। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपको मैसेज जाएगा, तो आप फटाक से अपडेट रहोगे, छूटोगे नहीं। कोई बोलता है हमको पता नहीं चल रहा है। तो चलिए, लाइट में हम आपको पढ़ा चुके हैं इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना जरूरी है, मस्ट है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज साइन कन्वेंशन। देखो, अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल बनाना, तो अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल बनाना तो आपको ये आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। साइन कन्वेंशन को हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है? ओके, इसमें क्या बताया जाता है, इसमें रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना, हमको करना है, आपको करना है, सब लोग करेगा तो सबका आंसर एक जैसा आएगा, नहीं तो सबका अलग अलग आ जाएगा। क्या रूल्स है आप समझिए। ये बोलता है कि आप मिरर को, कोई भी मिरर में अगर आप कोई भी क्वेश्चन ले रहे हो, कुछ भी मेजरमेंट करना है, तो आप मिरर को उठा के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख दो ले जाके। मिरर जानते होंगे, ये कोई भी मिरर कॉनकेव हो सकता है, इट मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये दोनों एक्सिस है, ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, सब लोग जानता होगा। और ऐसा रखो कि ओरिजिन, जो इसका ओरिजिन होता है, इसमें ओरिजिन होता है, वो पोल पे आ जाए, बस। अब आप समझते होंगे कि इसमें इधर साइड कैसा होता है, -1 -2 सबको याद है, इधर प्लस होता है, ऊपर माइनस और नीचे, सॉरी ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो यही रूल्स इन्होंने बनाया। पहला रूल क्या बोलता है साइन कन्वेंशन, कि एवरी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, याद रखेंगे, हर डिस्टेंस को पोल से नापना है। चलो, और पता है अभी तक हमने जितने डिस्टेंस नापे सब पोल से ही नापे। चलो कुछ याद दिलाते हैं तुमको, याददाश्त बनाते हैं। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। कहां से नापे हैं? देखो तो पोल आया ना,
रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से नापे हैं? पोल से। तो ये रूल ही बोलता है भाई कि एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये पहला नियम है, हर दूरी को पोल से नापना है। मान लो हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट ले लो, यहां लिखते ऑब्जेक्ट, ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कहां से स्टार्ट करना है नापना है, यहां से, तो यहां से इधर जाओगे तो कैसा आ जाएगा? निगेटिव, बिल्कुल। अगर मान लो इधर कोई इमेज बन रहा है तो आप इधर जा रहे हो तो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ऊपर यहीं से जाना है, नीचे यहीं से आना है, समझ में आ रहा है? हर डिस्टेंस को नापने का स्टार्ट करना है, ऐसे नापने के लिए आप स्केल लगाओगे तो यहीं से स्टार्ट करना, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ओके, दूसरा दूसरा रूल क्या बोलता है? द डिस्टेंस मेजर। अब देखो सबको समझता होगा, ये आपको दो राइट साइड लेफ्ट साइड, इधर बताओ इधर कौन सा साइड है? इधर है आपको राइट साइड, राइट हैंड साइड, और इधर कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। और इधर है लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से समझेंगे, यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड, सब लोगों को पता होगा LHS RHS, बिल्कुल ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, दिख रहा है? डंग 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 दिख रहा होगा। तो चलो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ओके, तो RHS LHS। अब क्या बोलता है ये कि द डिस्टेंस मेजर्ड राइट टू द पोल, यानी पोल के राइट साइड में जो पोल से इधर नापोगे तो पॉजिटिव होगा। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो यहां पर लिख दो, ऐसा एरो बना के लिख दो, इधर नापोगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा, स्टार्ट यहीं से करना है, समझ रहा है? एंड द डिस्टेंस मेजर्ड लेफ्ट टू द पोल इज निगेटिव। यानी किसी भी चीज का डिस्टेंस नापोगे, ऑब्जेक्ट का, इमेज का, फोकस का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, अगर इधर नापे तो पॉजिटिव, इधर नापे तो निगेटिव, बहुत आसान बात है, आप जान रहे हो एक्सिस में इधर प्लस माइनस होता है, तो इसको यहां से लिख दो। दूसरा रूल यही है, द डिस्टेंस मेजर्ड, द डिस्टेंस मेजर्ड राइट टू द पोल, राइट साइड टू द पोल पोल इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड टू द पोल इज निगेटिव, एंड लेफ्ट साइड टू द पोल इज निगेटिव। बिल्कुल ओके। तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल क्या बोलता है? देखिए बहुत सिंपल है, यहां से ऊपर नापो तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। नीचे नापो तो निगेटिव। यानी किसी भी चीज का अगर हाइट नापोगे ऊपर की तरफ तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाइट, और किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट या इमेज का हाइट नीचे नापोगे तो कैसा आएगा? निगेटिव। सीधी बात है, आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? आपको एक्सिस से समझ रहा होगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर जाओ, यहां पे 1 2 3 प्लस में होता है और नीचे माइनस में होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? द हाइट कहां से मेजर करना है? प्रिंसिपल एक्सिस से चालू करो। द हाइट मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज निगेटिव, एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई हाइट नापोगे तो निगेटिव। तीन रूल समझ में आ गया? बिल्कुल। आपने नोट तो बना रहे ना? बिल्कुल बनाते जाओ, नोट्स जरूर लें। चलिए ये मिटा दे, आपने छाप लिया होगा, नहीं छापे तो वीडियो पॉज करके लिखना आप, ठीक है? ओके, अब चौथा और आखिरी रूल, चौथा रूल क्या बोलता है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड एंड द लाइट शुड इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लाइट हमेशा इधर से डालना, मिरर ऐसे रखो लाइट ऐसे डालना, ऐसा नहीं कि कोई मिरर ऐसे रख लिया लाइट ऐसे डाल रहा तो सबका डायग्राम अलग अलग बनेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग को समझने में, समझ रहा है ना? तो ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड एंड लाइट रेस इंसिडेंट फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, लाइट को कहां से कहां डालना है, लेफ्ट से राइट। तो ये चार रूल आपको क्लियर हो गए, ये रूल है, ये नियम है, इसे आपको मानना ही पड़ेगा, आपको क्या सबको मानना पड़ेगा। तो ये साइन कन्वेंशन बनाए हैं, साइन चिन्ह कैसे लगाना है, प्लस माइनस साइन के आधार पे लिया जाएगा। अब इसका हम लोग कुछ यूज देखते हैं, ठीक है। ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन भी लिखने के लिए आ जाता है। तो आप ये डायग्राम बनाना, देख लो ये डायग्राम देख लिया ना आपने, क्या किया हमने, यहाँ एक मिरर बना दिया और इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, और आपको दिखाना है हर चीज को, हर चीज में डायग्राम में दिखाना है। ये देखो ऐसे नापेंगे तो पॉजिटिव, ऐसे निगेटिव दिख रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखो, लाइट रे इंसिडेंट, हर चीज इसमें दिख रहा है। ओके, चार बातें आपको इसमें समझ में आ गई होगी। अब इसका यूज समझना, यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही हमको काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। तो एप्लीकेशन ऑफ साइन कन्वेंशन है अगला, एप्लीकेशन ऑफ साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल पहला हम लोग देख लेते हैं कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर। यह हो गया कॉनकेव मिरर, ध्यान से सुनेंगे। कॉनकेव मिरर में यह पोल है, यह फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, यह ऑब्जेक्ट रख दिए इधर, मान लो ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, चलिए हम कुछ दिखाते हैं। अगर इमेज यहां बना तो कैसा इमेज होगा बताओ, रियल। और अगर इधर बनता था, इधर भी बनता है ना दोनों केस, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल। अब देखो ध्यान से समझेंगे क्या क्या यूज करेंगे। सबसे पहले यू की बात करते हैं, यू हमने बताया होगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहले ऑब्जेक्ट आया, देखो नाइन्थ में आप पढ़ोगे यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी मतलब फाइनल, यहां पे अलग है। यू मतलब इनिशियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से नापना है, पोल से। देखो तो ये पोल है, इधर है, पोल से इधर साइड में है, तो कैसा होगा, वन टू थ्री, माइनस में होगा ना इधर, तो निगेटिव होगा। ऑलवेज लिख दे इधर, ऑलवेज बराबर, क्यों ऑलवेज, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट रूल्स है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखो, लेफ्ट में रखोगे तो निगेटिव हो जाएगा, ऐसे डिस्टेंस नाप रहे। भी, भी बात करते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। देखो अगर रियल इमेज बना, अगर रियल इमेज बना तो हम ऐसे नापेंगे, तो रियल इमेज का निगेटिव हो जाएगा, रियल इमेज। और उसके बाद यहां से इधर जाओ, यहां से इधर जाओ, दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज, समझ गया, देखो वर्चुअल होगा तो इधर नापेंगे तो प्लस में आता ना वन टू थ्री, यहां पे ओरिजिन मान लो, याद होगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा यहां से इधर प्लस, यहां से इधर माइनस, बस यही चीज फील करो। उसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ, एफ मतलब फोकल लेंथ। What is focal length? Distance from pole and focus. यहां से इधर, यह है focal length, देखो यहां से इधर, तो बताओ इधर नाप रहे तो कैसा होगा इसका focal length? Negative. तो focal length कैसा होगा इसका? Negative. Always, ये भी always याद कर जाओ। और पता है एक आश्चर्य की बात, concave mirror का पहचान है, concave mirror का पहचान है, concave mirror का पहचान है negative focal length, याद रखना। यानी किसी का भी निगेटिव फोकल लेंथ है तो समझ जाओ कॉनकेव मिरर ही है, मिरर है तो। अगर उसके बाद रेडियस देखो, रेडियस भी इधर है, रेडियस भी तुमको दिख रहा होगा इधर है, तो कैसा आएगा, निगेटिव। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी निगेटिव हो जाएगा। ओके, ये भी हमेशा फिक्स है। ओके, अब एक चीज और समझना, ऑब्जेक्ट का हाइट, देखो हाइट तो यहां से नापना चालू करना है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऐसे नापेंगे हम ऊपर, यह है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यह है हाइट ऑफ इमेज, यहां से नीचे, देखो यहां से ऊपर नापो, इसको समझना। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोले तो ऐसा, यू ऑब्जेक्ट का हाइट ऐसे, यहां से चालू करना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑलवेज प्लस, ऑलवेज लिख दो, जिसमें जिसमें हमने ऑलवेज लिखा हो याद कर जाओ। देखो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव, ऑब्जेक्ट का दूरी निगेटिव, हाइट पॉजिटिव। देखो दूरी निगेटिव क्योंकि इधर है बराबर माइनस एक्स एक्सिस पे, हाइट पॉजिटिव, समझ गया होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जैसा है। ओके उसके बाद आते हैं हाइट ऑफ इमेज, एच आई, इमेज का हाइट यहां से नीचे नापो तो निगेटिव आ जाएगा रियल इमेज के लिए, और ओ सॉरी पॉजिटिव भी आ सकता है वर्चुअल इमेज के लिए। यहां से ऐसे ऊपर नापो, दिख रहा है, ऐसे नापेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया होगा इतनी बातें, ये जरूर नोट करना आप, दिल से समझना भी इसको, यही काम आएगा, हो सकता है आप ऐसे नोट कर लो तो भी काम हो जाएगा अपना। अगर आपने साइन कन्वेंशन कर लिया ना तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, बस ये आ गया तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। ओके तो चलिए अगला है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की कहानी समझते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, तो साइन कन्वेंशन एक ही है, चाहे कोई भी लगा दो, बस हम लोग अलग अलग मिरर में उस रूल को अच्छे से लगा के देख रहे हैं और कुछ नहीं। पोल है, ऑब्जेक्ट इसमें इधर ही होता है, सबको पता है ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही होगा। ओके इसका फोकस पीछे चला गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे चला जाता है, पता ही आएगा आपको, और इमेज भी इसका इधर ही कहीं बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए यहां पे यू, अब हम नाम नहीं लिखेंगे, यू मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, यहां से इधर नापो, देखो यहां से इधर नापोगे तो कैसा आ जाएगा बताओ, निगेटिव। यू कैसा आ जाएगा, निगेटिव, ये देखो समझ गया होगा, ऐसे नाप रहे तो ऑलवेज है ना यार, ये ऑलवेज है। भी भी यानी इमेज डिस्टेंस, यहां से इधर नापो, ये क्यों निगेटिव हुआ इधर बताइए, क्योंकि ये वर्चुअल है। ओके उसके बाद फोकल लेंथ की बात करते हैं, ये है फोकल लेंथ, इधर ऐसा तो माइनस एफ, इधर है तो निगेटिव। ओ सॉरी 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 सॉरी, रात कोई बोल नहीं रहा है, क्लास रहता है तो बच्चे बोल देते हैं फटाक से। प्लस भी फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये भी पहचान है, देखो यही पहचान है, किसका पहचान है, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का यही पहचान है बच्चों, प्लस में फोकस तो कॉन्वेक्स, ये डिफरेंस भी लिख सकते हो, इसका फोकस प्लस में, इसका रेडियस भी प्लस में होगा इधर है तो, बिल्कुल समझ रहा होगा ना, इधर प्लस होता है ना एक्स एक्सिस पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, वी यू एफ, और क्या चाहिए, हाइट। हाइट देखो यहां से ऐसे नापो ऊपर तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। इमेज तो इसमें ऑलवेज वर्चुअल बनता है, इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनता है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। चलो एक सवाल पूछ लेते हैं, मेरे मन में आ रहा है, देखो प्लेन मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है, कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है ऐसा, और कॉन्वेक्स भी वर्चुअल बनाता है, बिल्कुल बनाता है ऐसा, क्या अंतर है तीनों के वर्चुअल में, डायग्राम तो हमने बना ही दिया। देखो प्लेन मिरर में सेम साइज का वर्चुअल बनता है, सेम साइज, कॉनकेव मिरर में बड़ा वर्चुअल बनता है, और कॉन्वेक्स में छोटा बनता है, ये है अंतर। ये आपके बुक में क्वेश्चन है या कोई पूछ सकता है, तीनों वर्चुअल बनाते, तीनों में डिफरेंस क्या है, रियल कौन बनाता है, कॉनकेव, और कोई नहीं बनाता। ओके चलिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, अब हम लोग बनाएंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको पढ़ना चाहिए मिरर फॉर्मूला, देखिए अगला पढ़ना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, तो मिरर फॉर्मूला एक्चुअली रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ये मिरर फॉर्मूला है, किसी भी मिरर में लग जाएगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बस साइन कन्वेंशन के साथ लगाना, याद रखो कोई भी फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में सब में साइन लगाना है। यू भी, भी मतलब इमेज डिस्टेंस, एंड एंड एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ। तो इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है, नहीं तो हम पढ़ाते हैं 1 बाई वी, 12th में है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, मतलब 1 अपॉन ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई एफ, दिस इज मिरर फॉर्मूला, सारे सवाल इसी से बनेंगे। एक छोटा सा और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, इसको समझते हैं। देखो मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना टाइम्स बड़ा या छोटा हुआ है। फिर से देखो मैग्निफिकेशन मीन्स, मैग्निफिकेशन मीन्स
इमेज, ध्यान से सुनेंगे, इमेज कितना टाइम्स बड़ा या छोटा हुआ है, इमेज कितना टाइम्स बिगर और स्मॉलर देन देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा बनेगा इमेज, समझ रहा है, कितना बड़ा या छोटा बनेगा। जैसे मान लो हमने बोला कि मैग्निफिकेशन टू, यानी टू टाइम्स बड़ा बना, मैग्निफिकेशन हमने बोला हाफ, मतलब इमेज हाफ बना, यानी छोटा बन गया। क्लियर है, बड़ा है या छोटा भी हो सकता है, यह है मैग्निफिकेशन का मतलब। अब इसको निकालते कैसे हैं, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, जैसे देखो मेरे पास एक 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, हमने कॉनकेव मिरर में रखा पास में, पता होगा पोल और फोकस के बीच, तो इसका बड़ा इमेज बन गया 9 सेंटीमीटर का। तो बताइए कितना बड़ा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया, कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड 9/3, 3 times बिगर। ओके, समझ गया होगा, हो सकता है ये छोटा हो जाए तो भी ऐसे डिवाइड करेंगे 1/1 आ जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट क्यों, इसको डिवाइड करो, कोई यूनिट नहीं दिखेगा। देखो ये मीटर मीटर कट जाएगा। ओके, एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, HI/HO इक्वल टू -V/U। देखो ये भी बहुत यूज होता है, मतलब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, देखो ध्यान से समझना, एक दोनों इमेज से जुड़ा हुआ है, ऊपर में इमेज का रखना है, नीचे में ऑब्जेक्ट का, यानी इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट, ये इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसमें निगेटिव साइन साइन कन्वेंशन से लगा हुआ है, उसको आपको छेड़ना नहीं, वो याद करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर आप लर्न कर लिए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, दो, एक और फॉर्मूला आप जान रहे होंगे कि एफ फोकल लेंथ चाहिए और रेडियस अगर दिया है तो हाफ कर देना, बिल्कुल। तीन फॉर्मूले से सारे दुनिया के न्यूमेरिकल मिरर के बन जाएंगे और साइन कन्वेंशन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग झटाक से न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, क्योंकि यही चीज मेन सीखने वाला है चैप्टर में, और हम वादा करते हैं अगर आप साइन कन्वेंशन पेपर पे लिख के बैठे हैं, अभी जो हम साइन कन्वेंशन दिखाएं वहां पेपर पे लिखो और साइड में रख लो और बैठ जाओ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला, फिर सवाल पक्का बनेगा, पक्का बनेगा यार, कोई डाउट ही नहीं, एकदम लिख के ले लो मेरे से। चलो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन थोड़ा सा छूट गया तो लिख लें, ऐसे भी लिखते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ओके, यहां से डेफिनेशन लिखा गया, समझ गया होगा। चलिए फिर चालू करते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, ये लीजिए, 1, 2, 3, चलिए। तो ये क्वेश्चन है, देखिए कॉनकेव मिरर, छोटा सा एक डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है लेकिन बनाना चाहिए, इससे क्या होता है थोड़ा फीलिंग आता है। ये कॉनकेव मिरर हो गया, देखो ये कॉनकेव मिरर यूज फॉर रियर व्यू, रियर व्यू बताया था ना, मतलब पीछे देखने के लिए। ओके, कॉनकेव नहीं होगा, सॉरी कॉन्वेक्स होगा, देखो गलत हो गया ना, कैसे समझ में आया बताइए, हमने आपको पढ़ाया है कि रियर व्यू मिरर कैसे होता है, कॉन्वेक्स का होता है, कॉनकेव का नहीं होता, रियर मतलब वो साइड मिरर, याद होगा। ओके, तो ये एक मिरर है जिसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में हो रहा है ऑफ एंड ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में लगा है, गाड़ी में लगी है, तो ये कॉन्वेक्स है, ऐसा बना लो। हैज एन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर। अब बताओ, देखो यहीं से तुम्हारा टेस्टिंग चालू होता है, इसका फोकस कहां है, पीछे, रेडियस कहां है, पीछे, तो रेडियस पीछे है, पीछे मतलब इधर, तो इधर कैसा होगा बताओ, इधर एक्सिस पे 1, 2, 3 प्लस में होता है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी +3 मीटर। रेडियस को तुरंत एफ में बदल लो, 3/2, क्योंकि हमको एफ का काम है, वी विल ऑलवेज यूज मिरर फॉर्मूला। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 3 मीटर, यानी इसके सामने कोई बस आगा, देखो इसके सामने कोई बस आ रहा है, तो बस किसके तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, बस कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 5 मीटर, यहां से 5, तो -5 लेंगे, बिल्कुल सीधी बात है, इधर साइड में है तो माइनस ही लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज -5 मीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द पोजीशन, यानी कहां है, देखो पोजीशन मतलब कहां, नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल, और साइज मतलब बड़ा है कि छोटा, तीन चीजें बताना है, ठीक है। तो चलो समझाते हैं, यानी भी निकालना है तुमको क्वेश्चन मार्क,
तो एफ यू भी किसका, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, यहां नोट कर दो, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं हम। देखो ये डायग्राम बनाने से अच्छा आ रहा था, बनाना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई बी, बी कितना है पता नहीं, निकालना है, सॉरी प्लस होगा, 1 बाई यू, यू कितना होता है माइनस लेंस में होता है, ये माइनस 5। ओके 1 बाई एफ, एफ कितना है 3 बाई 2। सबसे पहला चीज सीख लो, देखो बच्चे क्या करते हैं गलती, इस माइनस को इधर लेके चले जाते हैं, गलत गलत। सबसे पहले यहां माइनस है तो ऊपर लाना, याद रखना डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू, इसको पलट के तुम कर सकते हो 2 बाई 3, इसको उधर लेके चले जाओ, 1 बाई बी इक्वल टू 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 5। एलसीएम लो, 5 टू 10, 3 1 3, 10 प्लस 3 अपॉन 15, 1 बाई बी इक्वल टू 13 बटा 15। ओके हमको बी चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दो, 15 बाई 13, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.15 प्लस में आया, प्लस में मतलब किधर हुआ, इधर, यानी इधर यहां से ये 1.15, आपको पता होगा यहां कहीं बस का छोटा सा इमेज दिखेगा इसको, ठीक है, बस जैसा बनाना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी हम बना दिए यहां बस तो यहां बना रहे हैं, यानी इस मिरर में उसको ऐसा छोटा बस दिखेगा। तो ये हो गया आपका पोजीशन, पोजीशन मिल गया, नेचर बताइए, तो नेचर होगा वर्चुअल, नेचर कैसा होगा वर्चुअल। अब साइज की बात करो तो साइज मैग्निफिकेशन से निकलता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है दो, एक है हाइट अपॉन इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक है वी बाई यू, तो हाइट तो दिया नहीं तो वी यू से निकालना पड़ेगा, तो माइनस वी बाई यू है, याद रखना माइनस वी का वैल्यू बताओ 15 अपॉन 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, यू का वैल्यू बताओ माइनस 5, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 3 जा 15 यानी 3 अपॉन 13 मैग्निफिकेशन आ गया, दिस इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कम है 1 से, दिख रहा है ना कम है, कैसे डिनोमिनेटर कम, ये है ज्यादा, जब मैग्निफिकेशन कम है तो इमेज का साइज क्या होगा छोटा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फिर से देख लो कैसे छोटा आया, अगर तुम इसको डिवाइड भी करोगे तो ये फ्रैक्शन 1 से छोटा आएगा ना, बिल्कुल आएगा, तो 1 से छोटा अगर कोई फ्रैक्शन हो जाए तो समझना वो इमेज का हाइट छोटा है। देखो ऊपर वाला हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ रहा होगा, तो छोटा दिख रहा है, बहुत सारे तरीके हैं समझने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला कि जो भी गिवन दिया उसको साइन के साथ लिखना, दूसरे में क्या करना है मिरर फार्मूला लगाना है और मैग्निफिकेशन के भी लगाने, यानी कुल मिलाकर दो फार्मूले पे, एक छोटा सा इसको फार्मूला तो नहीं बोलेंगे यार, ये तो बकवास है, आधा कर दो रेडियस का फोकस आ जाएगा, यानी दो फार्मूले पे पूरे न्यूमेरिकल नाचेंगे और ऑल लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं जाने वाला, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं, याद रखना तुम कोई भी बुक बना लो दुनिया का, लेकिन एनसीईआरटी से बेस्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला, ये हम वादा करते हैं तुमसे, पहले एनसीईआरटी बनाना उसके बाद ही कोई भी बुक बनाना, ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के भी कराएंगे क्वेश्चन, एस चांद के भी करा देंगे और प्रीवियस ईयर भी करा देंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, और उसके बाद असाइनमेंट भी मिलेगा, जो भी पेड मेंबरशिप में उसको असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो देखो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब दूरी नहीं, साइज मतलब हाइट की बात कर रहे हैं लोग, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, तो कुछ भी वैल्यू लिखना ना बिना साइन सोचे लिख दिया ना बेटा तुमने तो गलत, पहले बता दे रहे हैं, तो साइन जरूर सोचना। मान लो कोई भी मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव बना लो, तो कॉनकेव में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर जा रहा है तो कैसा साइन होगा, प्लस, ऑलवेज बताया था हमने, ऑलवेज हाइट प्लस दूरी माइनस, याद करो। प्लेस दैट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखें, यहां से 25 तो यह माइनस 25 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस 25, यानी यू का वैल्यू माइनस 25 सेंटीमीटर, ओके डन। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ अब आपको खुद सोचना है, कॉनकेव मिरर में ऐसा गोला बनेगा, इधर सेंटर आएगा, इधर ही फोकस आएगा, इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव होने वाला है, बिल्कुल ये याद कर जाओ, फोकल लेंथ निगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का, ऐसा है ना, तो इधर है सामने, तो बोला एट व्हाट डिस्टेंस शुड द मिरर इज शुड क्या बोला एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने दूरी पे शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, एक स्क्रीन लगाना है, याद करो हम बताए थे कि रियल इमेज स्क्रीन पे बनता है, बताए थे कि नहीं बताए थे, बिल्कुल बताए थे, रियल इमेज स्क्रीन पे, यानी यहां स्क्रीन लगा दो तो रियल इमेज कहां बनेगा,
तो बोला तू गेट अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर नेचर साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज यानी अब देखो, साइज मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है तो इमेज का हाइट। अब तुम सोच रहे हो पिछली बार तो हमने मैग्निफिकेशन निकाला, बिल्कुल बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का साइज दिया है तो इमेज का निकालना, नहीं दिया तो मैग्निफिकेशन निकाल के भी काम हो जाएगा, बड़ा छोटा पता चल जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें। नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल, ऑब्वियसली रियल है। देखो इसका जवाब ना क्वेश्चन में ही है, क्या जवाब है, स्क्रीन, स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है, रियल, तो हम तो ऐसे ही बता देंगे नेचर, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इसमें यही सब दिमाग का खेला है। अब हमको भी निकालना है, बोला कहां इमेज बनेगा, कहां स्क्रीन रखें, तो भी बताओ। तो चलो यू है, एफ है, भी चाहिए, तो मिरर फॉर्मूला ऐसा लिख के यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा मिरर फॉर्मूला, 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। अब देखो 1 बाई भी पता नहीं, 1 बाई यू क्या है, 1 बाई माइनस 25 इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 15, ये प्लस माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 25। अब आपको सॉल्व करना है, क्रॉस कर लो, माइनस 25 प्लस 15 नीचे आएगा 15 इंटू 25, ये कितना आ रहा होता है, ये माइनस 10 अपॉन 15 इंटू 25, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा, ओके आ रहा है माइनस 2 बाई 75। यानी भी चाहिए हमको, 1 बाई भी नहीं, याद रखना, ये छोड़ दे मत देना, पलटना पलटना भूल मत जाना, ठीक है, आ जाएगा 75 बाई 2 माइनस हमेशा ऊपर रखो, यानी माइनस 37.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से इमेज 37 है और आगे होगा, देखो ये तो 25 है, 37 यहां सामने होगा, कुछ बड़ा होगा, फिर समझ में आ गया होगा, ऐसा बनाने से थोड़ा आइडिया मिलता है और कुछ नहीं, नहीं भी बनाए तो चलता है, क्वेश्चन में बोला नहीं है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये वाला देखो, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी बाई यू। मैग्निफिकेशन में एम ऐसे भी निकलता है अगर हाइट नहीं दिया, अगर दिया है तो ऐसे निकालना, समझ में आ गया, ओके। जब भी इमेज का हाइट चाहिए, अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 4 माइनस भी, भी खोजो, देखो ये रखने से अच्छा ये रखें फ्रैक्शन में, तो माइनस 75 बाई 2, देखना साइन के साथ हर चीज रखना है, पहले बोल दे रहे हैं साइन गया नंबर गया, नंबर क्या पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यू यू कितना हो जाएगा, माइनस 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 है बच्चों, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 75 बाई 2 इंटू 4 अपॉन 25, ये कैंसिल 3 बार में, ये कैंसिल 2 बार में, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, प्लस में, प्लस का मतलब कैसा होगा बताओ, अरे अरे प्लस कैसे आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बचेगा, माइनस में आएगा, माइनस का मतलब कैसा है, इनवर्टेड, उल्टा, समझना इसको, देखो उल्टा बनेगा तभी तो हाइट नीचे माइनस आएगा, हाँ तो इनवर्टेड है और उसके बाद रियल है और ये हाइट आ गया, तो क्लियर हो गया। क्या क्या पूछा था, कहां रखोगे स्क्रीन, स्क्रीन रखो माइनस 37.5 यानी इस मिरर के सामने 37.5 पे, यहां स्क्रीन रखो, कितना बड़ा, तो 6 सेंटीमीटर उल्टा माइनस है, तो साइन कन्वेंशन काम आ रहा होगा, निगेटिव है तो उल्टा बन रहा है, ठीक है, निगेटिव है तो नीचे, हाइट निगेटिव मतलब ऐसा, समझ रहा, हाइट ऐसे ऐसे नापना है, दूरी ऐसे ऐसे फील होना चाहिए। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये अति सुंदर क्वेश्चन है, बोला है कॉनकेव मिरर, चलो कॉनकेव मिरर बना लिया हमने, फटाफट मिरर जरूर बनाना, इससे थोड़ा फील आता है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफायर, जब भी क्वेश्चन में 3 टाइम्स 2 टाइम्स हाफ ऐसा लिखा है तो ये मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन बताता है बड़ा छोटा, क्लियर होगा, तो मैग्निफिकेशन हो गया 3 टाइम्स यानी 3 रियल इमेज। अब चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहां पे ध्यान देना बच्चों, ये छूट गया है अपना, नोट में लिख लेना, क्या लिखना, 10 रुपए का नोट है, तो एम का फॉर्मूला था एच आई अपॉन एच ओ, बिल्कुल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा समझेंगे, ये मिरर है यहीं पे समझो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा प्लस होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर नापते तो हमेशा प्लस होता है, यानी ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है भाई। अब इमेज की बात करो, अगर इमेज रियल बना तो हाइट निगेटिव, अगर इमेज वर्चुअल बना तो इधर बनता है तो हाइट पॉजिटिव, समझ रहा है, यानी इमेज का हाइट निगेटिव होगा, किसके लिए, रियल क्योंकि उल्टा बनता है तो नीचे नापेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव किसके लिए, रियल इमेज के लिए, ओके। देखो रियल इमेज का दूरी निगेटिव,
रियल इमेज का हाइट निगेटिव, क्या बात है, एक नंबर, मजा आ गया होगा। देखो रियल इमेज का दूरी निगेटिव, डिस्टेंस। देखो रियल इमेज में क्या क्या निगेटिव, वी निगेटिव, एच आई निगेटिव, एम निगेटिव, सब निगेटिव यार रियल के लिए। ऑब्जेक्ट में नहीं, ऑब्जेक्ट में दूरी निगेटिव, हाइट पॉजिटिव है। और इस अगर ये वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव, समझ गया होगा, समझ गया होगा, समझ गया नहीं तो आप नोट कर ले बच्चों, ये छूट गया था अपना। वर्चुअल होगा तो ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो कैसे वर्चुअल होगा तो सीधा होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, आंसर कैसे आएगा बोलो, पॉजिटिव। चलो तो इसीलिए हमने पढ़ाया क्योंकि यहां जरूरत पड़ रही है। देखो थ्री टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, रियल इमेज बना थ्री टाइम्स मैग्निफाइड, यहां माइनस थ्री। अगर मान लो तुमने नहीं लगाया, पूरा गलत, पूरा गलत, कोई मतलब नहीं बना के। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस डेट, ऑब्जेक्ट को रखे टेन पे, ऑब्जेक्ट यानी यू, कितना माइनस टेन। देखो कोई कोई बच्चे पूछते हैं कि हमको यू और हाइट में कंफ्यूजन है। भाई हाइट जब भी लिखेगा ना ऑब्जेक्ट का तो लिखेगा साइज, साइज की बात करेगा, हाइट समझना। और यू में साइज वाइज नहीं लिखा रहा था, दूरी लिखा रहा था। देखो प्लेस डेट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर द इमेज इज लोकेटेड, यानी भी बताइए। अरे यार गोलगप्पा जैसा सवाल है। एम इक्वल टू, इसमें मिरर फॉर्मूला भी नहीं लगा, डायरेक्ट एम का फॉर्मूला, माइनस बी बाई यू, एम बताओ माइनस थ्री, माइनस बी अपॉन माइनस टेन, माइनस से माइनस कट, ये इधर चलाया माइनस थर्टी, वी इक्वल टू माइनस, माइनस का मतलब किधर है, सामने, माइनस मतलब इधर है, यानी रियल इमेज। कैसा इमेज, रियल इमेज है। एक एक चीज फील होना, बी निगेटिव मतलब इधर आए तो रियल, बी पॉजिटिव मतलब इधर गए, कैसा वर्चुअल, वो सब लिखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अगली बार। देखो ये मिरर फॉर्मूला का आखिरी न्यूमेरिकल होने वाला है, देखते देखते जाओ यार, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, सबसे हार्ड बच्चे इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर आने वाला रिफ्रैक्शन का। ओके, ये रिफ्लेक्शन खत्म कर दिया हमने, आधा चैप्टर पढ़ा दिए। बोला है कॉनकेव मिरर, चलो फटाक से कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, टक 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 बना लिए। ओके, फोकल लेंथ 10, याद करो कॉनकेव मिरर का फोकस सामने आता है, तो फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस, इधर आ रहा है तो कैसा होगा बताओ, पोल से इधर आ रहा है तो कैसा होगा, निगेटिव यानी माइनस 10। टू टाइम्स मैग्निफायर यानी एम का वैल्यू 2, और रियल, रियल रियल और वर्चुअल देख के साइन पता चलेगा। रियल वर्चुअल नहीं लिखा है, स्क्रीन उसक्रीन ऐसा कुछ हिंट लिखा होगा बच्चों, ध्यान देना इस बात को। तो मैग्निफिकेशन माइनस, रियल के लिए सब माइनस। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, यानी वी भी नहीं पता और यू भी नहीं पता। ओ क्या करें, बहुत आसान है, एम का फॉर्मूला लगाना है। एम का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, तो एम इक्वल टू माइनस टू है, माइनस वी बाई यू, माइनस से माइनस मर गया, इधर आ गया टू यू इक्वल टू वी, यानी वी के जगह टू यू, एक इक्वेशन यहां से बन गया। अब मिरर फॉर्मूला लगा दो, वन बाई एफ ऐसा, वन बाई बी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, यह मिरर फॉर्मूला, बिल्कुल एक इक्वेशन यहां से बनेगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जैसा। तो वन बाई बी, वी को मत छेड़ना, देखो वी के जगह यू डालेंगे, ओ सॉरी सॉरी, वी के जगह यू डालेंगे, कितना डालेंगे टू यू, सही है, और यू को यू ही रहने देंगे। वन बाई एफ कितना है माइनस टेन, सबसे पहला काम माइनस को ऊपर ले जाना, याद रखो द फर्स्ट थिंग। एलसीएम ले लो, ये इधर यू प्लस टू यू, नीचे टू यू इन टू यू, यहां पे माइनस वन बाई टेन, ऊपर आ गया थ्री यू और नीचे आ गया टू यू स्क्वायर, एक यू से एक यू कट गया, माइनस वन बाई टेन, क्रॉस क्रॉस खेल लो, थ्री अपॉन टू यू इक्वल टू माइनस वन बाई टेन, क्रॉस करो तो 30 इक्वल टू माइनस टू यू, यह डिवाइड हो जाएगा तो 30 अपॉन माइनस टू इक्वल टू यू 15, तो यू का वैल्यू माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये यू आ गया, अब यू आ गया तो इसका पुट कर दो यहां पे, वैल्यू वी आ जाएगा, तो वी इक्वल टू टू यू यानी 2 इंटू माइनस 15, कितना आ गया माइनस 30। दो यू तो हमेशा निगेटिव आता है क्योंकि सामने रखते हैं, वी भी निगेटिव आया, मतलब इमेज कैसा है रियल, इमेज कैसा है रियल है भाई, इन्वर्टेड भी है, बोलो क्लियर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको न्यूमेरिकल आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में बोल देना कि सर नहीं आया, फिर से और एक दो न्यूमेरिकल बता दो, तो अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल लेके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, और रिफ्लेक्शन खत्म होता है यहाँ पे, और अगला लेक्चर होगा रिफ्रैक्शन। और आपको एक ज्ञान की बात बताते हैं, रिफ्लेक्शन से कभी कभी बस न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी में कुछ नहीं आएगा, याद रखना। सब सोच रहे बेकार में पढ़ा दिए, बिल्कुल अगर ये बेस के लिए पढ़ाया गया, आपको ये नहीं पढ़ोगे तो अगला नहीं आएगा, और क्वेश्चन जितने भी आएंगे रिफ्रैक्शन से आएंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन अच्छे से देखना, तब तक के लिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते रहो और लेक्चर देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, लगे रहो बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए right।